जो सो जाओ। हमारे पास तो कोई साधन नहीं था, आपके पास तो साधन है। आपसे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मगर ये तो मेरे अपने थे, आप भी मेरे अपने हो। आप लोग हिंदू बन जाओ, ये हमने देखा है। मेरे परिवार के कितने चले गए मैंने देखा है। मैं कोई अख्तर नहीं हूँ, मैंने देखा है ये सब, सब देखा है। कभी आएगी ना तेरा, इसको सिर्फ फिल्म में समझना। आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे अपने घर के 13 सदस्य चले गए थे, मेरे अपने घर के 13 पर्सन मैंने खोए, मैंने 13 पर्सन खोए हैं। मगर आप लोगों से मेरे निवेदन है, हिंदू बनो। लाखों की आबादी में कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया, यह सच है। मैं उस फसाद का जिक्र करने आया हूं जिसको लेकर चर्चा हो नहीं रही। उदाहरण उस सवाल के साथ मैं शुरू कर रहा हूं जो सवाल पूरे देश में गूंजना चाहिए। सवाल यह कि दुनिया का कोई एक ऐसा मुल्क मुझे बता दो जहां पर किसी ने अपने लोगों को, अपने भाई बहनों को शरणार्थी बना दिया हो। कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। सवाल कांग्रेस और बीजेपी का है ही नहीं। हॉल में, सिनेमाघरों में, पीवीआर में लोग रो रहे हैं, पूरा देश एक भाव में बह रहा है, भाव में, पूरा देश भावनाओं में बह रहा है, मगर हम तू तू मैं कर रहे हैं। हकीकत क्या है समझेगा उसको। हकीकत यह है कि लैपटॉप और ट्विटर वाली पीढ़ी, क्योंकि तस्वीरें नहीं चल रही, मैं तस्वीरों का भी जिक्र करता हूं, लैपटॉप और ट्विटर वाली जो आज की पीढ़ी है आज भी रो रही है। जिसे दुनिया से ज्यादा भावनाओं से लेना देना नहीं, वो पीढ़ी भी सिनेमाघरों में, पीवीआर में जाकर रो रही है। हमारे देश में ये सब हुआ, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, लेकिन किन परिस्थितियों में हुआ, यह बात किसी से छिपी है क्या? कश्मीरी पंडित आज भी वहां जाकर बस क्यों नहीं पाए? इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? आज आंखों को नम कर देने वाले मुद्दे पर चर्चा करने आया हूं। सच को सच कहने का खौफ क्यों है हमारे सियासतदानों में? सच तो खुद अपनी गवाही देता है। सवाल विपक्ष से है, सत्ता पक्ष से है। एक कह रहा है ये फाइल्स बनाओ, एक कह रहा है वो फाइल्स बनाओ, कोई कह रहा है हाथरस बनाओ, कोई कह रहा है लखीमपुर बनाओ, बनाओ 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 सब बनाओ। उस पर भी चर्चा होगी, होनी चाहिए। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ? यह बात झूठ साबित हो जाएगी, लाखों लोगों के आंसुओं की कीमत देश ने चुकाई है, देश ने। किसके कहने से लाखों लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं? क्या ये सभी बीजेपी के कहने पर सिनेमा देखने जा रहे हैं, फिल्म देखने जा रहे हैं, या फिर ये सारे भाजपा ही हैं? अगर ऐसा होता तो हर फिल्म बीजेपी लॉन्च करती।
यह बीजेपी कांग्रेस का मसला नहीं है। उस भावनाओं को लेकर, उस सियासत को लेकर सवाल खड़े हैं जो उस वक्त भी जिम्मेदार थी और आज फिर जिम्मेदार है। उन भावनाओं को एक बार फिर से दिखा रहा हूं और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों से। वैसे बोलते थे हमको उतना वो याद है, लेकिन भगवत गीता उतना याद नहीं थी क्योंकि हमको बहुत वो टॉर्चर करते थे, हमको बोलते थे बहुत कुछ। मेरे भाई को मारा है ये वो, ये अभी तक भी हम डरते हैं। अभी मेरा भाई मर गया, मारा है मेरे भाई को। हम है सर। आप ये एक बात बताता हूँ, ये हमारे सामने बैठी थी और आधी पिक्चर में रोई है, पूरा पिक्चर देखे वो रोई थी। साथ में आपके अभी तक नहीं मरेगा, मेरे बच्चे नहीं, मेरे ये सब यूथ आपके साथ है। मेरे भाई को मारा, हम भी रोए। नहीं आप अकेले नहीं रोए, आप लोगों ने ये नॉट मैंने दिखा रहे थे, नॉट मैंने दिखा रहे थे, रियल स्टोरी। 11 जन को मारा एक साथ, क्या कसूर था हमारा? हमारा कुछ कसूर नहीं था। हम दोषी सब, हम देखते रहे, हम एक साथ नहीं आए। एक मच्छर नहीं, आप लोगों को पता नहीं था ना, हम छुपाया, सबसे छुपाया क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो शेख अब्दुल्ला था, फारूक अब्दुल्ला था, अभी आया मोदी जी आया, ये क्या बोलते हैं उसको, योगी जी आए, आप कुछ कर रहे हैं। अभी हमको भी थोड़ा, हम अभी भी क्योंकि वहाँ से आते थे, बोलते थे हमारा नाम कौन रैना पंडित, बोलते थे हम, हमारे बड़े बड़े लड़कियां है तो हमको पैसे दे दो, हमारे उधर दुकानदार, हम दीहू रोड में रहते थे पहले, बोलते थे हम वो पैसे दे दो लड़कियों की शादी करेंगे, जबकि मैं भी अनमेरिड थी, मैं 12th स्टैंडर्ड में बोल रही हूँ, मैंने एग्जाम दिया था 12th स्टैंडर्ड का, तभी रेडियो पर हमारा आया था, मेरा पापा बोले मम्मी नहीं थी, भाई को मारा तो मम्मी मर गई, पापा था, पापा ने बोला पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर मेरी शादी की। मन का जो है ना, नहीं ये बोले अभी भी डरती हूँ ना, डरती हूँ अभी डरने, अभी उनके डरने का वक्त है, अपने डरने का वक्त नहीं। अगर आप लोग साथ दे तो हम जाएंगे, हमारी वही आप साथ हो, बोला वंदे मातरम, वंदे मातरम, आप हमारे साथ हैं, हम हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, हम हमारे साथ हैं। वही हमको है ना, अगर मिल जाता था तभी, क्योंकि ये नेता सो ये। अब मेरा सवाल देश से, उन आलोचकों से जो सवाल उठा रहे हैं, छोटा सा सवाल, क्या ये सारे भाजपाई जो रो रहे हैं क्या वो भाजपाई हैं? जो बता रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं? सच को सच कहने में हमारा विपक्ष, हमारे नेता खौफजदा क्यों है? वो भी तब जब सच खुद अपनी गवाही दे रहा है। फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, एक बड़े नेता का बयान आया, लखीमपुर फाइल्स बनाओ, बनानी चाहिए, किसी ने नहीं रोका, कोई अरेस्ट नहीं करेगा, पार्टी का फंड भी बहुत, बनाओ, उस पर भी चर्चा हो। मैं फिर कह रहा हूं, कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं हुआ तो यह बता दो, लाखों लोगों के आंसू नहीं बहे तो बता, लाशें नहीं गिरी तो बता दो, अपने ही मुल्क में ये लोग रिफ्यूजी नहीं बने तो बता दो। छोटा सा सवाल लेकर आया, मैं सीधा रुख करूंगा अपने मेहमानों की तरफ, आपसे उनका तारुफ करवा दूं। जो मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेरे साथ भूदेव शर्मा जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, मेरे साथ इस वक्त संजय त्यागी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, संजीव चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और साथ ही साथ एके मिश्रा मेरे साथ इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर चुके हैं, जो राजनीतिक विशेषक हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। भूदेव शर्मा, त्यागी जी, मिश्रा जी, चौधरी, मैंने गलत कहा? मैंने क्या इस बात को लेकर
गलत कहा कि लाखों लोगों की आंसुओं की कीमत। भूदेव शर्मा जी, देश ने चुकाई है, छोड़ दीजिए कौन सियासत कर रहा है कौन नहीं, वो मैं आगे बताऊंगा कौन गुनहगार है, और अगर गलत बोलूंगा डिबेट वहीं छोड़ दूंगा, अगर एक भी तथ्य गलत बोलूंगा डिबेट वहीं छोड़ दूंगा। लेकिन भूदेव शर्मा, जो लोग रो रहे हैं, पीवीआर में जा रहे हैं, जो आंसू बह रहे हैं लोगों के, जो भावनाएं दिखाई दे रही हैं, वो सब झूठ है, फरेब है, मुझे इतना बता दो। नहीं तिलक जी, देखिए इस तरह की अगर कहीं पर भी कोई भी घटना होती है तो वो निश्चित तौर पर वो हमारे देश के लिए एक शर्मनाक घटना है। लेकिन अगर उस उसके भ्याप पे अगर आप किसी एक पार्टी को या किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को आप बदनाम करने की कोशिश करो, ये गलत है कि आप अगर उसके नाम पर अगर ये किसी और को बदनाम करने की कोशिश करो। आपको जिम्मेदारी सबकी बनती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। तिलक जी मैं ये जानना चाहता हूं कि आज उन कश्मीरी पंडितों के नाम पर जो सियासत करते आए हैं, क्या उनका इतनी उनकी ये हक बनता है कि उसके नाम पर सियासत करें? उनकी कई राज्यों में सरकारें रही, क्या उन्होंने उनके लिए आज तक कभी कुछ किया? केवल और केवल महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार ने उनको आरक्षण दिया, उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्थाएं की, उनके रहने की व्यवस्था की, उनको इस लायक इस काबिल बनाया कि आज वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। उसके अलावा सियासत करने वाली पार्टियों ने कभी भी इस मुद्दे को न तो संसद में उठाया। पूरी बात सुनिए, सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने, एक महिला सांसद ने संसद में इस मुद्दे को उठाया था, जबकि इसके नाम पर सियासत करने वालों ने आज तक कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया। सुनिए, मैं पूछूंगा उनसे सवाल, मैं उनसे सवाल पूछूंगा। देखिए मुझे बीजेपी कांग्रेस सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया, मुझे बीजेपी कांग्रेस सपा से कोई लेना देना नहीं, नहीं है ना सर। सुनिए मेरी बात, सुनिए, ना आपकी चाय पीता हूँ ना उनकी चाय पीता हूँ और ना उनकी चाय पीऊंगा। चाय अपने पैसों की पीता हूँ, कमाई की, इसलिए मेरे को सच बोलने में कोई खौफ नहीं रहता। सच को सच बोलता हूँ, झूठ को झूठ बोलता हूँ। जब उनसे सवाल पूछने होते हैं तो उन्हीं से पूछता हूं, सत्ता में बैठे हुए भाजपाइयों से, है ना भूदेव जी? जी बिल्कुल। अब हकीकत सुनिए जिसका जिक्र आप कर रहे थे। कड़वा बोलता हूं, सच बोलता हूं, कुछ मुसलमान नाराज हो जाएंगे इसलिए सच मत दिखाओ, कुछ मुसलमान नाराज हो जाएंगे सच पर पट्टी बांध दो, है ना? नहीं, ऐसा क्यों? यही हुआ ना। देखिए तिलक जी, मैंने अभी बोला कि अगर इस तरह की घटनाएं पूरे देश में भी, चाहे वो किसी भी धर्म के लोगों के द्वारा गलत है, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई महिला, अगर कोई व्यक्ति कोई महिला इसी धर्म में जन्म लेती है तो ये उसकी गलती नहीं है कि उसने हिंदू में जन्म लिया या मुस्लिम में जन्म लिया। अगर उसके साथ किसी भी तरह का कोई गलत काम किया जाता है समाज, तो चाहे मुस्लिम महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ गलत हो, हमेशा ही महिलाओं के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ हुआ, जिसे आप घटना कह रहे हैं वो नरसंहार हुआ था, उसकी जिम्मेदारी। मुझे एक मुल्क बता दो मेरे भाई, मुझे एक मुल्क बता दो, भूदेव शर्मा। लेकिन इसकी जिम्मेदारी, भूदेव शर्मा बता दो किसकी जिम्मेदारी है, मैं आपसे ही जानना, जिम्मेदारी पूछता हूँ, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? बता रहा हूँ, लेकिन मुझे एक मुल्क है, एक मुल्क है, आप ये कह रहे हो ये बवाले जान, इनकी जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदार वीपी सिंह की सरकार, कितने महीने की सरकार थी वो सब छोड़ो, मैं ये कह रहा हूं जो कुछ हुआ दुनिया के अंदर, कोई एक ऐसा मुल्क है जहां पर ऐसी घटना घटी हो, जिसे आप घटना कह रहे हैं मैं उसे नरसंहार कहता हूं। नहीं बिल्कुल, ये नरसंहार है, बिल्कुल कत्लेआम है। एक उदाहरण दो मुझे, इधर उधर की बात मत करो मेरे साथ, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे एक उदाहरण दो, दुनिया का एक मुल्क बताओ जहां पर ये सब कुछ हुआ हो, एक मुल्क बताओ मुझे। नहीं है कोई ऐसा मुल्क, मैं बिल्कुल नहीं है। देखिए इस तरह की घटनाएं कहीं पर भी हो, लेकिन इन घटनाओं पर राजनीति करना, देश के लोगों को आप उसमें लड़वा देना, ये बिल्कुल गलत है। जो हुआ है उनके साथ न्याय होना चाहिए, न्याय। सरकार को जिम्मेदारी लेकर के उनके लिए कार्रवाई करनी चाहिए, अगर कांग्रेस में इच्छा शक्ति होती तो न्याय तब मिल जाता, तब मिल जाता जब मनमोहन की सरकार थी, यासीन मलिक तुम्हारा यार था। फिर बोल रहा हूं, नोट कर लो मेरी बात, जब यासीन मलिक को अपना यार बनाया था आप लोगों ने, तब उन लोगों की ना याद नहीं आया आप लोगों को, तब कश्मीरी पंडित याद नहीं आया आपको, जब अपना यार बना के घूम रहे थे उनको,
दिखाओ तस्वीरें। नहीं, कोई यार बना के नहीं घूम रहा था। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये गलत है। दिखाओ। सरकार थी, तस्वीरें दिखाओ। जिम्मेवारी थी, जो राजनीति कर रहे हैं, जिनकी कई राज्यों में सरकारें थी, आपने उनके लिए कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं की। आपने उनके लिए कहीं पर व्यवस्था नहीं की। केवल मैं पूरे तथ्य के साथ बोलता हूँ, केवल शिवसेना उनके उनका साथ दिया गया। भूदेव शर्मा, इन तस्वीरों को नकारो। ये कौन है? ये आपका मेहमान है, आपका यार है, ये कौन है? इसकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। ये कौन है? क्या इस पे कश्मीरी पंडितों का इल्जाम नहीं है हत्या करने का? कौन है ये जिसको अपना यार बनाया आपने, जो भारत माँ को गाली देता है? कौन है ये? कौन है ये? महबूबा मुफ्ती कौन है? भारत माँ को गाली देती है, उनके साथ ये सरकार बनाते हैं। कौन है ये? भूदेव शर्मा को स्क्रीन पर। भूदेव शर्मा कौन है ये? ये कौन है ये? उसके साथ फोटो अगर उनका है। फोटो नहीं है ये, ये माथे पर कलंक है। इसे माथे पर कलंक बोलते हैं, ये फोटो नहीं है, इसे माथे पर कलंक बोलते हैं। ये कलंक होता है माथे पर, जो दिल्ली में आके आपका मेहमान बन जाता है, जो कश्मीरी पंडितों का जिसके ऊपर हत्या का इल्जाम होता है। वहां पे महिलाओं के साथ जो किया गया वो भी कलंक था, वो भी सरकार पे कलंक था। तो ये किसका यार था? यासीन मलिक किसका यार था? यासीन मलिक किसका यार था? किसका यार था यासीन मलिक? ये नहीं होता कि कांग्रेस पार्टी ने करवाया, सरकार थी। आप सरकार से सवाल उठाइए ना, सरकार से जवाब लूंगा। लेकिन आपके पास पूरी पावर थी, मिलिट्री थी, पुलिस थी, आपने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? न्याय दिलाया आपने, आपने न्याय दिलाया 10 सालों में, यही न्याय दिलाया था ना? यासीन मलिक को अपना यार बना लिया था, यही न्याय दिलाया था? नहीं, रुकिए अभी। देख फोटो, अगर फोटो नहीं है, फिर बोल रहा हूँ कलंक है देश के नाम पर। ये कलंक है। पार्टी ने उससे जाकर के कहा कि आप ये नरसंहार कीजिए। भारत माता को गाली देकर ये दिल्ली आते थे और वही दिल्ली की पुलिस इनकी सुरक्षा करती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा। चाहे गुजरात में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे यूपी में हो, कहीं पर भी अगर इस तरह की घटना होती है, तो गलत है। आपको सवाल उठाना चाहिए उस समय की सरकार पर, सरकार क्या सो रही थी? जब हम पाकिस्तान से विदेशों से युद्ध कर सकते हैं, जब हमारा मुल्क विश्व शक्ति बन रहा है, और हम अपनी अपनी पुलिस और फौज को इतना भी नहीं बोल सकते कि हमारे हिंदू भाइयों को वहां से भगाया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जाए? अभी और तस्वीरें दिखाऊंगा, अभी क्यों रो रहे हो? रुक जाओ अभी। नहीं, हम नहीं रो रहे, ये बिल्कुल गलत हुआ है। जिसकी जिम्मेदारी बनती है उससे सवाल उठाइए। बता रहा हूँ किसकी जिम्मेदारी, सबको बताऊंगा, रुक जाओ। सबकी जिम्मेदारी का एहसास कराऊंगा। सियासत नहीं होनी चाहिए ऐसे ऐसे मामलों पे, कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे देश के इतिहास में एक कलंक है, वो हमेशा रहेंगे, उनको धुला नहीं जा सकता है, उनको कभी भी नहीं धुला जा सकता है, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे कहा ना। उदाहरण नहीं था आपके पास, मैंने कहा कि दुनिया के एक मुल्क बताओ मुझे, दुनिया का एक मुल्क। उदाहरण नहीं था आपके पास, चुप हो गए, नहीं है उदाहरण नहीं है। अभी एक और उदाहरण दूंगा, एक और उदाहरण दूंगा। वो कलंक पूरी जिंदगी 7 जन्म ले लोगे कांग्रेस में रहकर, तो वो कलंक नहीं मिटेगा। एक और उदाहरण दूंगा अभी। त्यागी जी, फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, सबको कह रहे हो जाओ देखो, सबको कह रहे हो जाओ देखो। चलिए, देखने से अगर कश्मीरी पंडितों का भला हो जाए, मैं तो कह रहा हूं कि सबको भेज दो, पूरे हिंदुस्तान को दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक छोटी सी बात आपसे भी है, छोटी सी बात, चाहे तो आपकी भी नहीं पीता ना, मैं नहीं पीता ना सर, इसलिए आपसे भी पूछूंगा। जी, मुझे एक उदाहरण दे दो। आप लोगों क्या कहते हो ना, हमारे अंदर इच्छा शक्ति है। 7 साल हो गए आपकी सरकार को, हो गए ना सर? नहीं पूछूंगा कितने कश्मीरी पंडितों को बसाया, सब पूछ रहे हैं ना कि बताओ त्यागी जी कितने कश्मीरी पंडितों को बसाया। मुझे एक छोटा सा उदाहरण दे दो, छोटा सा। देश के प्रधानमंत्री तो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे ना सर, हिंदू हिंदुत्व, हिंदू हृदय सम्राट। किसी को आर्थिक मदद, किसी कश्मीरी पंडितों को आर्थिक मदद आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से, मकान दुकान खाना आपने कहीं प्राथमिकता दी हो तो मुझे बताओ। मैं गलत बोल रहा हूं? छोड़ो, मत बताओ कितने कश्मीरी पंडितों को बसाया, इतना बता दो कि ये जब पूरी जिंदगी रिफ्यूजी की जिंदगी जी रहे थे, आज दूसरी पीढ़ी आ गई, ये आर्थिक मदद कितनी दी आपने उनको, कितनी? देखिए ऐसा है चावला भाई, अभी आपके सवालों के जवाब भी मैं दूंगा, लेकिन मैं इतनी देर से सुन रहा था कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता। ना ना ना, उनसे मत लड़िए, उनसे मत लड़िए,
उनसे लड़ लड़ के हरा दिया ना उनको। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। त्यागी जी छोड़ दीजिए, अपनी जुबान पर लाओ। त्यागी जी छोड़ दीजिए, डिबेट डिरेल हो जाएगी। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। झूठ बोलते हैं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जिस बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं, तो मेरी मजबूरी बन गई उन्होंने के अंदर 7 लाख हिंदुओं का, वो मैं पूरे गर्व से कहता हूं कि 7 लाख कश्मीरी पंडित होंगे, वो जिनके लिए कश्मीरी पंडित होंगे, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वो 7 लाख हिंदू थे। उनका जिस प्रकार से नरसंहार हुआ, सदियां बीत गई। चावला भाई, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता से आपने ये बूझा तो सही कि JKLF के जो चीफ था यासीन मलिक, जिसने पूरा नरसंहार किया था और जो जिम्मेदार था, और कितनी बेशर्मी के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कह मुझे रहे मत घुमाइए त्यागी जी, मंत्री के त्यागी जी कांग्रेस से नहीं भिड़ना। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कांग्रेस से मत भिड़िए आप। यासीन मलिक एक परिवार, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक परिवार, जिसे दुकान में, मकान में, दरवाजे उनके लिए, खाने में प्राथमिकता दी हो आपने, उन्हें फंडिंग देने का काम, उन्हें पालने पोषने का काम। त्यागी जी सवाल का जवाब नहीं आपके पास। हमेशा किया। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरा देश कांग्रेस किसी मुकालते में ना रहे, विपक्ष किसी मुकालते में ना रहे, 70 सालों के बाद आज कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं के मेरे सवाल का जवाब नहीं है ना आपके पास। एक परिवार जी, जो सवाल आपने पूछा है उसका जवाब इनके पास है नहीं, केवल झूठ बोले जा रहे हैं। जो सवाल है उनका सवाल का जवाब दीजिए। भूदेव जी डिबेट को डिरेल मत करिएगा, मेरी आपसे गुजारिश है। मैंने आपको पूरा वक्त और पूरा मौका दिया है, आपके बीच में कोई नहीं बोला था, आपसे भी गुजारिश है किसी के बीच में मत बोलिएगा। त्यागी जी का फ्रेम फ्रीज हो गया, दोबारा कनेक्ट करेंगे। मैं एक बात चौधरी साहब आपसे भी जानना चाह रहा हूं। चौधरी साहब जी, जी आपकी पार्टी है बेहद शानदार चुनाव लड़ी, अखिलेश यादव बहुत अच्छा चुनाव लड़े। आज सुनने में आया, अखिलेश यादव का बयान सुन रहा था, कह रहे थे कि लखीमपुर खीरी फाइल्स भी बनाओ, कह रहे थे ना, लखीमपुर खीरी फाइल्स बना दो, कह रहे थे ना चौधरी साहब, कह रहे थे कि यस सुनो, जी 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 कह रहे थे ना, मैंने गलत तो नहीं सुना ना चौधरी साहब, मैंने गलत तो नहीं सुना? नहीं नहीं, अब मैं बोलूं बताऊं, मैं सवाल पूछ लूं, मैं पूछ रहा था आपसे, मैं सवाल पूछ लूं, सवाल सीधा है, आपने चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। आजाद की मुखबरी किसने की? सुभाष चंद्र बोस जी को सत्ता के लिए रास्ते से हटाने। त्यागी जी अभी आगे के लिए बचा के रखिए, आगे के लिए बचा के रखिए, आगे के लिए पायलट का, त्यागी जी पायलट जी की हत्या के पीछे, त्यागी जी आपसे जो सवाल था उसके सवाल का जवाब ढूंढिए, गूगल पर सर्च करिए, गूगल पर सर्च करिए, हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का सब हाँ, सामने आ रहा है। रुक जाइए, राजनीति की बात करते हैं, रुक जाइए त्यागी जी को रोकिए, त्यागी जी को रोकिए, प्रदेश की जनता, त्यागी जी को रोकिए, नकार चुकी है लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भी कुछ। चौधरी साहब जी जी, आप लोगों से पता है मैं क्यों ये चर्चा कर रहा हूं? क्योंकि आप लोग बेवजह मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। आपने कहा कि हाँ, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा लखीमपुर फाइल्स बनाओ, बनाओ भैया, बनाओ, बनानी चाहिए, मैं बैठकर चर्चा करूंगा पक्का उस पर भी। चौधरी साहब, आपकी पार्टी के पास पैसों की कमी नहीं है, वो तो नाम का समाजवाद रह गया है ना, फाइव स्टार वाली पार्टी, पैसों की कमी नहीं है, लखीमपुर हाथरस सब पर फिल्म बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक से एक फाइल बनाओ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो कश्मीर फाइल्स जिसका जिक्र है, जिस घटना का जिक्र है, ये घटना झूठी है या सच्ची है? सिर्फ इतनी बात बताओ। देखिए चावला जी, पूरे देश के अंदर इस तरीके की कोई भी घटना बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ऐसा तो नहीं है कि दुख इस बात पर प्रकट नहीं किया, लेकिन अगर उन्होंने लखीमपुर पे फिल्म बनाने की बात की तो कौन सी गलत बात? अरे सफाई में इतने प्रोड्यूसर और वो नचनिया बुलाते थे आप,
मेरे भाई जो सुनो ना, जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं बनाएंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ उस पे। जनता पार्टी के लोग राजनीति करने के लिए आप बनाओ, आपके पास फंड की कमी नहीं है चौधरी साहब। चौधरी भाई आपके पास ये फाइव स्टार वाली पार्टी के पास कमी नहीं है? सफाई में जो इतनी भीड़ लगाते थे, आज मैं आपको एक्टर प्रोड्यूसर वालों की लखीमपुर के नाम पर बनाओ फिल्म, बनाओ। कौन रोक रहा है? बोलेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। जब आज इनके नेता इस पिक्चर को इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, बड़ी दुखद घटना है। आपने एक तरफ चर्चा कर दी कि ये निंदनीय है, हम भी कह रहे हैं निंदनीय है, पूरा देश कह रहा है निंदनीय है। और ये मैं भी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे भाई बोल रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा ये किसी एक आदमी की जिम्मेवारी नहीं बनती। जब देश के साथ अगर इस तरीके की घटना होती है तो एक आदमी की जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल सहमत हूं मैं, हर दावे के साथ ठोके कह सकता हूं, हर आदमी की, आपकी भी जिम्मेवारी है, मेरी भी जिम्मेवारी है और संजय भाई की भी जिम्मेवारी है। लेकिन जिस तरीके से राजनीति का इस देश में अराजकता का माहौल पैदा भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है, ये घटना झूठी नहीं पा रहा। आखिर अब इस देश से ये घटना झूठी है, ये घटना झूठी है। देखने जाते बनाओ लखीमपुर खिली, लखीमपुर में एक्टर लो सलमान खान को, सलमान खान को एक्टर लो जो तुम्हारा यार है, यार है ना तुम लोगों का, यार है ना, दोस्त है ना। सफाई में नचवाते थे उसको, सफाई में नचवाते थे ना सलमान खान को, शाहरुख खान को नचवाते थे ना। बनवाओ लखीमपुर में एक्टर, बनाओ उसको, मैं चर्चा करूंगा, बनाओ। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो चौधरी साहब, ये घटना झूठी थी, आपके कहने से कमजोर हो जाएगी ये घटना। बनाओ अपना यार को बुलाओ और लखीमपुर बनाओ। जैसे यही मालूम नहीं है वहाँ कहानी घटित हुई क्या है, हुआ क्या है, और वो एक फोटो डालता है सेल्फी लेके कि मेरी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम बैठी हुई है पिक्चर देखते हुए। उससे सवाल कीजिए कि आखिर वह घटना हुई क्या है, उसका जानकारी नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के मिश्रा, एके मिश्रा जनता पार्टी के नेता, एके मिश्रा इसमें अराजकता का माहौल नहीं दे रहे, मेरे सवाल का जवाब नहीं। किसने कहा? एके मिश्रा, एके मिश्रा पार्टी देश को जलाना चाहती है। किसने कहा कि भारत माता जिंदाबाद नहीं? एके मिश्रा, एके मिश्रा जी, मैंने तीनों राजनीतिक दलों से एक एक सवाल पूछा, तीनों ने मुझे घुमा दिया। मैंने तो कहा चौधरी साहब से कि इनकी यारी है अच्छे अच्छे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ, है ना, बॉलीवुड के तमाम स्टार, ये खान वो खान वो खान, सब सफाई आते थे। लखीमपुर खीरी पे भी बनाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है, बनाओ। लेकिन ये घटना झूठी है, मुझे इतना बता दो, जिस पे ये कोहराम काट रहे हैं, इसका जवाब नहीं है इनके पास। मिश्रा जी, नहीं देखिए, इनके पास जवाब नहीं होगा, उसके पीछे कारण है। मतलब इतने बेगैरत लोग भी राजनीति में और समाज में पड़े हैं, सीए के बारे में, एआरसी के बारे में बात चली, और इस डर से कि हम डिटेंशन कैंप में भेज दिए जाएंगे या देश से निकाल दिए जाएंगे, एक साल तक लोगों ने सड़क घेर के रखा और कश्मीर से लाखों हिंदू हटा दिए गए, भगा दिए गए, उस पर ये बेगैरत लोग कभी नहीं बोलेंगे। मैं कुछ धर्म विशेष लोगों को, संस्थाओं को, न उन्होंने इस्लाम से खारिज किया, आज भी नहीं वो बोल रहे हैं कि ये इस्लाम से खारिज है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो ये तो पटकथा के लेखक हैं। आप ये देखिए कैराना में जो हुआ, उसके लेखक, उस पटकथा का लेखक कौन था? समाजवाद की सरकार थी, सरकार सपोर्ट करती थी। ऐसे ही वहां पे भी एक सरकार थी या एक कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सिस्टम को जकड़ लिया था कि उन्होंने पूरी की पूरी पटकथा लिख दी। फिल्म तो अभी बनी हुई है। इतने बेगैरत लोग यहाँ पे हैं कि कौन बोले कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सरकार हो, चाहे जो भी हो, बोल मतलब क्रिटिसाइज करने के लिए भी, मैं तो ये सोच रहा था ये लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे, बोलेंगे भाई फिल्म देखी, अब कानूनी प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, देर से ही सही, लेकिन अंधेर नहीं होना चाहिए, लोगों को न्याय मिले। जो लोग इसमें शामिल हैं, एक एक आदमी को चुन चुन करके, एक एक आदमी को चुन चुन करके, और चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, देश के साथ अगर आपको न्याय करना है, संविधान के साथ न्याय करना है, लोकतंत्र और मानवता के साथ न्याय करना है, तो आप सब लोग मिलकर के ये बोलिए कि अब आगे का एक्शन कल से शुरू हो। ठीक है, जिसकी सरकार है वो पकड़ेगी, वो कानूनी प्रक्रिया शुरू करेगी, सारी चीजें करेगी, लेकिन टीवी के चैनल पे भी आकर के इस तरह की मांग करना कि ये फाइल बनाओ तब वो फाइल वैलिड होगी, ये तो महामूर्खता वाली बात है ना। आप एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में डिफेंड कर, अरे पहले 70 साल 30 साल पहले जो फाइल बनी है उस पे न्याय तो कर लो, फिर आगे की फाइल हम बनाएंगे। हमें पता है कि आप पटकथा लिखने के लिए तैयार बैठे हो, आप दंगे करवाने में माहिर हो,
पटकथा के लेखक आप ही है, जितने दंगे होते हैं उसके पटकथा के लेखक यही लोग हैं, फिर उसमें भी फाइल बनेगी ना, चिंता क्यों कर रहे हैं। एक फाइल म्यूजिक यूज हो सकता है तो करिए, म्यूजिक अंतिम अंतिम पेज तक पहुंचने तो दो। आ गए सफाई वाले, अंतिम अंतिम पेज, अंतिम पेज पे पहुंच के एक फाइनल कंक्लूजन तो लीजिए इस फाइल का। अभी फाइल खुली है, फाइल क्लोज नहीं हुई है, इसके आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने एक सवाल एक मिश्रा इनसे गलत पूछा हो तो पूछिए इनसे, एक सवाल इन तीनों राजनीतिक दलों से मैंने गलत पूछा हो तो पूछिए आप, एक सवाल, एक सवाल का जवाब नहीं कि भैया मुझे एक बात बता दो भूदेव शर्मा, अगर वो सरकारें कमजोर थी, बोल रहा हूं जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं बिल्कुल सोच समझ के आप लोगों के मुताबिक, नपुंसक थी सरकारें आप लोगों के मुताबिक जब ये कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे थे, रिफ्यूजी बन रहे थे, देश के अंदर ये घटना घट रही थी, आपके मुताबिक कितनी सरकारें आई कितनी सरकारें गई, कितने प्रधानमंत्री बने और कितने हट गए, किसी ने कश्मीरी पंडितों को बसाया? आबादी से ज्यादा फौज लगी हुई है वहां, किसने बसाया भूदेव शर्मा बसाया? बिल्कुल तिलक जी, हाँ तो तिलक जी मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मिश्रा जी ने कहा कि लोगों ने किसी भी पार्टी ने सवाल नहीं उठाया, अभी मुझे लगता है कि मिश्रा जी आप अच्छी बात है कि आप वक्ता प्रवक्ता बनिए बीजेपी के, लेकिन दूसरों की बातों को भी सुनिए कि किसने सवाल उठाया या नहीं उठाया। हमने बिल्कुल सवाल उठाया कि ये भी जो नरसंहार हुआ, जो भी कत्लेआम हुआ, जो घटना हुई वो देश के इतिहास में कलंक है और ये हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर इसके नाम पर राजनीति करना, जनता गद्दा बनाकर सो जाए क्या? अरे क्या करे ये, क्या इनको पहले शांत कीजिए ना तिलक जी, अरे डिबेट चल रही है, क्या है झूठ बोलते हो? क्या कांग्रेस ने कभी कश्मीरी नरसंहार के लिए माफी मांगने का काम किया? नहीं, आप मिश्रा जी आप प्रवक्ता बनिए बीजेपी के, लेकिन तथ्यों के साथ, तथ्यों के साथ। इतने दिन में जो राजनीति कर रहे हैं उन्होंने क्या किया, आप इसका जवाब दीजिए ना। तिलक जी ने सवाल पूछा, तिलक जी ने सवाल पूछा, ना आपने जवाब दिया ना संजय तिवारी जी ने जवाब दिया कि आप लोगों ने कितनी मदद की उनकी। नहीं आप किसने, नहीं आप बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता बन रहे हो, आपने जवाब दिया, आपने जवाब दिया, आपने जवाब दिया। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार किसने बनाई? अभी पिछले साल वहां से मजदूर हिंदुओं को भगाया गया, तब किसकी सरकार थी? तब किसकी सरकार थी? नहीं पिछली साल भी किसकी सरकार थी? पहले इनको शांत कर लीजिए, इनसे पूछ लीजिए। शर्म करो, एक जिम्मेदार चैनल आप क्यों नहीं हटाया धारा 370 का? आप बना लेते अरे इनको बना के तिलक जी इनको बोलिए कि लैंग्वेज का सही से उपयोग करें। ये संजय त्यागी जी लैंग्वेज आपकी भाषा से भी फूल नहीं बरस रहे भूदेव जी। नहीं मैंने लैंग्वेज गलत यूज नहीं की है, बिल्कुल गलत लैंग्वेज गलत नहीं, एक भूदेव लैंग्वेज गलत नहीं। मुझे एक सेकंड त्यागी जी मैं जानता हूँ बहुत भावनात्मक मुद्दा, एक मिनट त्यागी जी प्लीज, मैं जो सवाल एक सेकंड त्यागी जी आपके पास, आप लोग देश में अराजकता फैलाने का काम करते हो त्यागी जी, आप लोग देश में अराजकता फैलाने का काम करते हो भूदेव जी, ये अराजकता फैलाते ना, एक मिनट त्यागी जी प्लीज। कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस आज इस देश का दुर्भाग्य है, आज इस देश का दुर्भाग्य है कि आज इस देश का दुर्भाग्य है कि आज इस देश में चुनाव वो क्या जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको छोड़ करके और ये जातिवाद और धर्म के नाम पे होते हैं। ये इन जैसे लोगों की करतूत है, ये इन जैसे लोगों की वजह से आज हमारा देश पीछे जा रहा है, 70 साल पीछे जाने का काम इन लोगों ने किया है। उनकी हत्या के पीछे किसका हाथ है ये देश जानता है, राजेश पायलट जी की ट्रक एक्सीडेंट, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, कार्रवाई क्यों नहीं करते, जिनका इतिहास ही नरसंहार, कार्रवाई क्यों नहीं करते, क्या कर रहे हो आप सरकार में बैठे, सरकार है ना आपकी कार्रवाई करे, त्यागी जी प्लीज, देश में झूठ के फैला रहे हो तुम्हारे मंत्री तुम्हारे संतरी लोगों को गाड़ियों पे कुचल रहे हैं, ये भी एक नरसंहार है। अगर गाड़ियों से देश के लोगों को कुचल जाता है ये भी एक नरसंहार है। अभी 4-5 दिन पहले भी इनके एक मंत्री ने गाड़ियों से लोगों को कुचला है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक मिनट शर्म बताता हूँ क्या देश में, आज शर्म बताता हूँ क्या शर्म बताता हूँ क्या आप लोगों से बड़ा आतंकवादी कोई नहीं हो सकता। त्यागी जी आप लोग त्यागी जी एक मिनट त्यागी जी एक मिनट
एक मिनट सुधारने का काम करे। अब तो सुधार क्या कीजिए, क्यों भुजाएं फड़फड़ा रहे हैं? एक मिनट, जनता सुधारेगी आपको। एक मिनट, देश के साथ चलो, अन्यथा कांग्रेस का नाम लेवा भी अभी है कोई नहीं बचेगा। अभी है कोई, सपने देखते रहिए, सपने देखते रहिए, सपने देखते रहिए। हाँ, इसी गुमान में रहो भूदेव जी, इसी गुमान, इसे ऐसे गुमान में, गुमान नहीं है, गुमान नहीं है। सवाल जी, सवाल जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के मंत्री, देश के मंत्री देश के लोगों को गाड़ियों से कुचल दे। सवाल भी एक नरसंहार, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये भी नरसंहार है, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। राजनीति करते हैं ये लोग, बता रहा हूँ, अत्यारे लोगों की हत्या करके उस पर राजनीति करते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, एक सेकंड। त्यागी जी हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या, त्यागी जी हो गया। त्यागी जी का ऑडियो नीचे, पायलट जी को, अरे तुम्हारा इतिहास साथ, त्यागी जी का ऑडियो नीचे। एक मिनट, भक्तों के हत्यारे हो, कांग्रेस का दामन देश। एक मिनट भूदेव जी, मेरा सवाल समझ में नहीं आया था, जवाब देना नहीं चाह रहे। मैंने कहा कितनी सरकार, सवाल सुन लो पहले, सवाल सुन लो, कितनी सरकारें आई, कितनी गई, कितने प्रधानमंत्री बने, कितने नहीं। 10 साल तक तो मनमोहन सिंह जी भी रहे। कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए आपने क्या किया, कुछ किया नहीं है जवाब जी। मैं बिल्कुल बोल रहा हूं कि अगर सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की हो या किसी की भी हो, अगर उनके उनके साथ न्याय नहीं किया गया, ये सबकी गलती है, ये हमारे पूरे देश के मानवता की गलती है। हमारे ऊपर ये कलंक है कि हम लोगों ने उनको कभी भी बसाने का काम नहीं किया, उनका साथ नहीं दिया। लेकिन साथ के साथ आप ये सुनिए, एक नेशनल टीवी पे बैठ करके पार्टी का प्रवक्ता, हो गया कलंक, माना ना, एक कलंक है। अभी एक और कलंक याद दिलाऊंगा, वो कलंक पूरे 7 जन्म लगा लो तब भी नहीं धो पाओगे, जैसे ये नहीं धुलेगा ना। एक कलंक और भी है, एक कलंक माथे पर है, देश के माथे पर, आप लोगों ने लगाया था सबने मिलके। त्यागी जी, घुमाओ मत मुझे। मैंने आपसे जो सवाल पूछा कि कितनों को आर्थिक मदद दी, कितनों को दुकान, कितनों को मकान, रिफ्यूजी की तरह भटके ये लोग। मुझे इतना बता दो, जोर जोर के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, इच्छा शक्ति से होता है। जैसे कहते हैं ना, इच्छा शक्ति 370 हटा दी, 35 से राम मंदिर बना दिया, कोई रोक पाया नहीं ना, नहीं रोक पाया ना। तो जोर जोर से नारे लगाने से त्यागी जी कुछ नहीं होता। यह बताओ कि कितनों का पुनर्वास हुआ, हुआ हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री की तरह नहीं है ना, जैसे आप लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह नहीं है, कुछ हुआ कर पाए त्यागी जी बताओ। चावला भाई, देखिए हर चीज में समय लगता है, अभी हमें सत्ता में, हमने दोबारा वापसी कि ये 7 वर्ष हुए, आपने भी कहा है अगर कश्मीर से 370-35 जैसा कलंक हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधान यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, तो मैं उन कश्मीरी पंडितों को ही नहीं, देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप देखेंगे बहुत जल्द ही उन पीड़ित कश्मीरी पंडितों को जो न्याय के लिए भटक रहे थे, उनको भी न्याय मिलेगा। उन दो एक एक 7 साल हो गए, किसी को आर्थिक मदद नहीं पहुंचाई, कश्मीर में कितने कश्मीरी पंडित बसाए उसका आंकड़ा आपके पास नहीं है, है ना सर? एक फिल्म दिखाने से क्या हासिल होगा? कश्मीरी पंडितों की हालत सुधर जाएगी, वो बस जाएंगे वहां पर, बस जाएंगे? सोचा आपने कभी? हो जाएगा त्यागी जी सब कुछ जल्दी, पूरा देश देखेगा कि देश के, देखिए हिंदुस्तान में आज एक मजबूत सरकार है, अगर ये मजबूत सरकार हिंदुस्तान के अंदर ना होती तो ये काला सच जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं, माथे पर कलंक, अरे तुम्हारे कलंक को क्या ये देश के हिंदू या देश की जनता या कश्मीरी पंडित नहीं है जवाब ना करके सो जाए? अगला सवाल लेकर आता हूँ, रुक जाइए। नहीं, कलंक ये आपके नाम पे, कलंक ये आप लोगों के नाम पे, उनके नाम पे आप राजनीति कर रहे हो, कलंक आप लोगों के नाम पे है ये। एक सेकंड बताता हूँ क्या, एक सेकंड रुकिए, आपके कलंकों का जवाब जनता देगी, जनता आपके कलंकों का जवाब देगी। पिछले 10 साल दुर्भाग्य, ये देश का दुर्भाग्य है, हाँ देश का दुर्भाग्य है। पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ भूदेव जी, हर चुनाव में यही बोलते हैं आप लोग, हर चुनाव में यही बोलते हैं। त्यागी जी रुक जाइए, नमस्कार करने का मन करता। त्यागी जी रुक जाइए एक सेकंड। चौधरी जी और एके मिश्रा जी, मैंने तो ये कहा सारे जुल्म सहे कश्मीरी पंडितों ने, सारे जुल्म सहे, लेकिन बंदूक किसी ने नहीं उठाई।
समझ रहे हो मेरे भाव को? घर लूट गया, बाहर लूट गया, बच्चे बीबी, जो कुछ हुआ मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी कश्मीरी पंडितों ने बंदूक नहीं उठाई। आप लखीमपुर की घटना से और इस घटना को तुलना करते हैं, क्या गजब इत्तेफाक है। लखीमपुर फाइल्स बना दो, कैराना फाइल्स बना दो, फलाना फाइल्स बना दो, डिमकाना फाइल्स बना दो। मेरे पास भी फोन आया, कहा कि बीजेपी वालों से पूछो कि लखीमपुर खीरी पर और हाथरस पर कब बनाओगे। अरे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई आप लोगों की। कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय को मरहम लगाने की बजाय उसे और कुरेद रहे हो। चौधरी साहब ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? देखिए सवाल आपका पूरा हो गया हो तो मैं बोलूं? नहीं, मैं गाना तो गा नहीं रहा था। नहीं नहीं आप, मैं बोलूंगा ना फिर आप बीच में दूसरा सवाल ठोक दोगे। नहीं तो सवाल तो पूछना है या? सवाल कर दीजिए, मेरा काम सवाल पूछना है। मैं किसी का भौपू नहीं हूं, सवाल पूछता हूं। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप जो ये बार बार कह रहे हैं कि वो लखीमपुर की घटना से इसकी तुलना कर रहे हैं। ना ना ना, मैं कह रहा हूं कि तुम लोग हिंदुस्तान में कोई भी घटना आप लोग तुलना कर रहे हैं, आप लोग तुलना कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। आप बोलने ही नहीं दे रहे, अब आप बोलने ही नहीं दे रहे, यही तो तरीका है। अब आप क्वेश्चन और करिए, फिर मुझे बताइए, फिर मैं जवाब दूंगा। आप तुलना कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए प्लीज। हमने ये कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा, हमने भी ये कहा, पूरी पार्टी का यही कहना है, हिंदुस्तान के अंदर किसी भी धर्म के साथ, किसी भी जाति के साथ इस तरीके की घटना बहुत ही दुखद और निंदनीय है। अगर उन्होंने ये कह दिया कि लखीमपुर पे बना दीजिए, कौन सी गलती कर दी भाई? वो भी घटना अच्छी घटना थी क्या? वो इसलिए अच्छी घटना थी कि इनके मंत्रियों ने की है। शर्म आती है मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे कि वो इसलिए अच्छी थी कि वो इनके मंत्रियों ने की है, और वो इसलिए गलत थी कि वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। वाह, ये देश जा कहां रहा है, कहां ले जाना चाहते हैं? और रही बात फोटो की, कि जहां तक फोटो का सवाल था, हमारी समाजवादी पार्टी की आगरा में एक रैली चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने उसमें घुस के, कार्यकर्ता ने उसमें घुस के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, और उसकी फोटो माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के साथ थी, उसमें तो किसी ने चर्चा नहीं की, उसमें तो किसी ने चर्चा नहीं की। फोटो आपका मेरा हो सकता है, कोई अपराधी भाव हो सकता है, फोटो कोई किसी को साबित नहीं करता। सवाल इस बात का है, घटना कोई भी हो, चाहे वो गोधरा कांड हुआ हो, चाहे वो पंडितों के साथ हुआ हो, चाहे लखीमपुर हुआ हो, चाहे वो घटना घटना है, घटना का एक ही सूत्र होना चाहिए, ना कि केवल ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक पिक्चर देखते हैं, एक सेल्फी लेकर डालते हैं कि हमारी पूरी टीम, ये सारे भाजपाई है, ये तो फिल्म देख रहे हैं, सारे भाजपाई हैं। ये हिंदुस्तान नहीं चलता, ये सारे भाजपाई हैं, देखने से ये सारे भाजपाई हैं। मेरी पंडितों को क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई आप लोग? ये सारे भाजपाई हैं, ये सारे भाजपाई हैं। पार्टी की सरकार भी है चौधरी साहब, कांग्रेस की सरकार दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी दोषी है। 7 साल कहानी की आग बना दीजिए, हम ये 1 साल का समय देते हैं, आज बना दीजिए उनके लिए, आज कर दीजिए। एके मिश्रा, एके मिश्रा, एके मिश्रा, एके मिश्रा जलाना चाहते हैं, एके मिश्रा को लाया जाए, देश को आग के हवाले करना चाहते हैं, एके मिश्रा को लाया जाए। पार्टी जब तक रहेगी इस देश को जलाती रहेगी और इस देश को ठगने का। मिश्रा जी मुझे ये समझाइए, छोड़ दीजिए ये राजनीतिक दल, क्या ये वाकई में, ये वाकई में 2024 के लिए चुनावी स्टंट है? हो गया चौधरी साहब, चौधरी साहब बनाओ बनाओ लखीमपुर खीरी, सलमान खान को एक्टर बना देना उसमें, ठीक है ना, बनाना। ये क्या, ये कौन सा सवाल हुआ? बना देना, ये एक्टर जो बनाएगा, मैं कह रहा हूँ ना, बना देना आप। वो समाजवादी पार्टी नहीं होगी, वो डायरेक्टर होगा, लखीमपुर फाइल्स बनाओ,
बनाओ बनाओ सलमान खान को एक्टर लेना उसमें। वेस्टर्न यूपी में ये कौन सा सवाल है? आपसे बेहतर डायरेक्टर कौन मिलेगा इन सब चीजों के लिए? आप सब भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार हैं, चाटुकार हैं एक तरीके से। आप भारतीय जनता पार्टी के चाटुकारों में हैं। आप प्रवक्ता बन जाइए, आप प्रवक्ता बन जाइए। सुमित केके मिश्रा और चौधरी साहब, केके मिश्रा चौधरी साहब, पहले तक बिल्कुल जनता जोश था, अब वो जोश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का उत्तर प्रदेश चाहते थे उतार दीजिए, पत्रकारिता का चोला उतार दीजिए और बैठ जाइए भाजपा की झोली में जाके और गोदी में जाके बैठ जाइए। 10 तारीख के बाद जब समझा रहे थे तब समझ में नहीं आ रहा था और अब आप हमें तो बीजेपी का साथ देते आपने आपने सुधार क्यों नहीं किया? आपके जवान कहाँ चली गई थी? अब साफ लेकिन मर जाने पे दस तारीख के पहले आपने से डिबेट कर रहे और नींद की गोली खा के सोए होंगे। ये दस तारीख की चीज है, आप पत्रकारिता के नाम पे भी चलेंगे। आपसे बढ़िया डायरेक्टर कोई नहीं मिलेगा, आपने न जाने कितनी जनता पार्टी के लिखी है घटना सही हुई है, पूरा देश कह रहा है, एक एक बच्चा कह रहा है, एक 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 परिवार कह रहा है कि वो गलत घटना है, नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की ये घटना नहीं होनी चाहिए। सब लोगों पर एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। आप उन लोगों का साथ देते हैं जो महात्मा गांधी की हत्या माला पहना कर सम्मानित करते हैं उनकी तस्वीर को, उनको आप उनका साथ देते हैं। आप एक तरफ तारीख बीत गया है, भारतीय जनता पार्टी का भरोसा शांत हो जाइए, एक तरफ महात्मा गांधी जी को मरवाते हैं, गोली लगवाते हैं, गोली मारने वाले का सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी को गाली देते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप भी शांत हो जाइए। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनका आप चाहते हैं। चौधरी साहब, चौधरी साहब, शांत हो जाएगी सुबह से, शांत हो जाएगी मिश्रा जी, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे भैया, शाम को निश्चित तौर पर कह रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। चौधरी साहब हो गया, चौधरी साहब एक चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, ऑडियो नीचे, ऑडियो नीचे, शांत हो जाइए। एके मिश्रा, एके मिश्रा, मुझे सिर्फ एके मिश्रा का ऑडियो, एक सेकंड। एके मिश्रा, क्या ये 2024 के लिए स्टंट है? वाकई में जो ये मुझे विपक्ष समझा रहा है कि ये 24 के लिए स्टंट है फिर? कोई स्टंट नहीं है। दो अभी कुछ चुनाव के पहले इनको हर चीज स्टंट लग रही थी, जो चीजें दबी हैं, जो सत्य है, सत्य को उजागर होना चाहिए था। 2024 के लिए क्या स्टंट है, ये किस एंगल से स्टंट देख रहे हैं? नाक तो कटा ली 10 तारीख के पहले, आपके साथ ही हम इन लोगों को बोलते थे भैया ये सुधार कर लो, तो ये तो मतवाले हाथी बने हुए थे, तो इनके लिए स्टंट की जरूरत नहीं है। जो मरा हुआ है ना, उसके लिए अब कोई स्टंट दिखाने की जरूरत नहीं है। ये एक सत्य था, लेकिन ये अभी अर्ध सत्य है कश्मीर फाइल। इसके बाद जो एक्शन है उस पर भी फाइल बननी चाहिए, सरकारों का एक्शन होना चाहिए ताकि ये फाइल कंप्लीट हो सके। अब त्यागी जी और भूदेव जी पूरे बड़े ध्यान से सुनना ये बात, बड़े ध्यान से। त्यागी जी एक मिनट, अगर मैं गलत हूंगा तो आप लोग करेक्ट कर देना, आप चारों के चारों विद्वान बैठे हो, ध्यान से सुनना जिस बात का जिक्र आप लोग बार बार कर रहे हैं ना। दिक्कत यही है, गलती तो हम फिर आईना साफ कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर गलत बोलूंगा भूदेव जी, वीपी सिंह की सरकार थी टेक्निकली थी, वो घटना जो फोड़ा फूटा, लेकिन फोड़ा बना कब? वीपी सिंह को 1 महीने हुआ था आए हुए, कितना? 1 महीना। उससे पहले किसकी सरकार थी, किसकी सरकार थी? या उन लोगों की सरकार नहीं थी जिन्हें नेहरू मोहब्बत करते थे, यानी कि शेख अब्दुल्ला का परिवार? किसका? शेख अब्दुल्ला का।
था ना भूदेव भाई? तिलक जी बिल्कुल, तिलक जी अब मुझे जवाब देने दो, या फिर आप क्वेश्चन और पूरे कर लो, उसके बाद ही मैं जवाब दूंगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि गांव से लेकर ग्राम प्रधान तक और ग्राम प्रधान से लेकर सांसद तक सब कांग्रेस के थे। तब सपा नहीं थी, तब बसपा नहीं थी, तब जनसंघ के कुछ ही, हाँ कुछ ही थे, तब आप ही थे, आप ही थे। तिलक जी, तिलक जी, जब सरकार जिसकी होती है चाहे वो एक दिन पहले बदले या रात को 12 बजे बदल जाए, लेकिन जब सरकार बदल जाए, सुनिए पहले पूरी बात मेरी होने दीजिए, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, अब मुझे जवाब दे दो। अगर रात को ये कोई प्राइवेट लठिया, मुझे पूरा जवाब देने दो, ये कोई पर्सनल लठिया नहीं चल रही है कि आप अपने ग्रुप को ले आओ और आप अपने को। अगर सरकार जिसकी हो चाहे वो एक घंटे पहले बदली हो, एक घंटे बाद अंत प्रियंत में जिसकी सरकार होगी वही वहां की फौज को, वहां की पुलिस को, वहां की सारी जिम्मेवारी उसकी होती है कि उनको ऑर्डर दे, उनको रोके, जो भी हुआ उससे पहले उसको नहीं, उसके आधार पर आप ये तय नहीं कर सकते कि नहीं साहब ये कांग्रेस में हो गया, अब इनको कोई मार रहा है, काट रहा है, नरसंहार कर रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। आडवाणी जी को लालू प्रसाद यादव जी ने जब जेल गिरफ्तार किया तो आपने सरकार से समर्थन खींच लिया, लेकिन जब कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया तो आपकी चू तक नहीं निकली। आप देखिए, आपने सवाल पूछा बीजेपी के प्रवक्ताओं से, तमाम क्वेश्चन किए, चंद्रशेखर आजाद ये वो, इनकी इतने दिन से सरकार है, चुनाव से पहले ये फाइल खोल, तुम्हें पहले एक मिनट में बात होने दो, तमाम फाइलें खोलने की बात करते थे कि ये फाइल खोल देंगे, उसको भी जेल में कर देंगे, आज तक कोई जेल में नहीं गया, इतने भ्रष्टाचार के आरोप थे सारे के सारे, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लोग राजनीति करते हैं, जिस शिवसेना ने कश्मीरी पंडितों का साथ दिया वो शिवसेना भी आज इन लोगों की नजरों में देशद्रोही है। सच सुन सकते हो? हिम्मत है सच सुनने की? बिल्कुल सच सुन रहे हैं, आप सुनिए, सच के साथ खड़े हैं, सच के साथ सुनिए, हिम्मत है तो स्वीकार करिएगा और डिबेट छोड़ के भाग जाइएगा फिर, वरना सच सुनो, सुनो सच, नहीं डिबेट क्यों छोड़ेंगे, सच के साथ, सच सुनो, सच सुनो, सच सुनो, सच सुनो। सिर्फ कश्मीरी पंडित के साथ नहीं हुआ, सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं हुआ, 84 में सिखों के साथ जो कुछ हुआ, गले में टायर डाल के जला दिए गए, और जिन्होंने जलाया उनको आपने टिकट दिया, चुनाव लड़वाया, संसद में भेजा, यह कलंक आपके माथे से 7 जन्मों तक नहीं हट पाएगा। मैं गलत बोल रहा हूं भूदेव शर्मा? कौन थे वो जिन्हें आपने भेजा संसद में टिकट देकर, जिन्होंने गले में टायर लगाकर सिखों का कत्लेआम किया था? बनाओगे फाइल्स, फाइल्स बनाओगे, तिलक जी अभी बनाओगे उनके ऊपर फाइल्स, 5 दिन पहले, हिम्मत है तिलक जी, 4-5 दिन पहले भी बीजेपी के एक नेता ने एक भीड़ के ऊपर गाड़ी चला दी, हिम्मत है फाइल्स बनाओ, हिम्मत है, चुनौती दे रहा हूँ, लिखो 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 भूदेव शर्मा, लिखो संघर्ष किया गया, मैं किसके नाते पे, लिखो दिल्ली में 1982 सिखों के कत्लेआम हुआ, लिखो लिखो भूदेव शर्मा, बिल्कुल गलत हुआ, लिखो, लेकिन आप किसने किया, किसने किया, लिखो, हिम्मत है तो बनाओ फाइल्स, भरी भीड़ पर गाड़ी, बनाओ फाइल्स, लखीमपुर खीरी के बाद भूदेव शर्मा, हिम्मत है तो बनाओ फाइल्स, देश में कोई कैसे बनाओ सिखों के ऊपर फाइल्स और खुलेआम घूम 84 के धंधों के गुनेगार है, आप इन कलंकों को भी उठाइए, बनाओ ना फाइल्स, इन कलंकों भी उठाइए, बनाओ फाइल्स, ये कलंक 7 जन्मों तक नहीं धो पाओगे भूदेव शर्मा, फाइल्स बनाओ, अगर सिखों के ऊपर बना सकते हो तो हिम्मत है, 84 के दंगे जो हुए, गलों में टायर डाल के आप लोगों ने चलाया, उनको आपने टिकट दिया, संसद में भेजा और अपने गले की शोभा बनाया उनको आपने, फाइल्स बनाओगे आप नहीं, देश के गृहमंत्री का लड़का तो गाड़ी से कुचल देता है, गाड़ी पर गृहमंत्री बने बैठे, देश के सर्वोच्च पद पे गृहमंत्री बैठे ने, आपने उनका सवाल नहीं उठाया, नहीं था जो जाट नहीं उठाया, नरसंहार किया गया, आपने उनका सवाल नहीं उठाया, अगर दिल पे हाथ रख दो, तिलक चावला ने सवाल नहीं उठाया, गाड़ियों से भीड़ अपनी जुबान पर लगा दीजिए, अगर सवाल नहीं उठाया, आपकी तरह नहीं हूं मैं, अगर सवाल नहीं उठाया सबूत के साथ दूंगा, अगर सवाल सबसे ज्यादा तिलक चावला नहीं उठाएगा यहाँ नहीं बैठूंगा, पत्रकारिता छोड़ दूंगा, है हिम्मत, बोलोगे राजनीति छोड़ते हो, बोलो दिखाऊं मैं, नहीं बिल्कुल नहीं, दिखाऊं नहीं, दिखाऊं आपको, सब सब पे छोड़ोगे राजनीति, मैं राजनीति छोड़ोगे, सवाल उठाइए, सच को सच कहने का साहस रखता हूं मैं, सबसे सवाल लीजिए, सच को सच कहने का साहस रखता हूं मैं,
तिलक जी आप अभी बीजेपी के प्रवक्ताओं से जो भी सवाल पूछे, क्या उन्होंने एक भी सवाल का जवाब दिया? पूड़िया दो नहीं रखता जेब में, घुमाने का काम किया, एक पूड़िया केराना के लिए खाने का काम किया है ना, इसके लोगों के सामने झूठ बोलने का काम किया, जो एक शर्मा तरह से बोलना जानते हैं। मैं वो नहीं हूँ जो एक चाय में बिक जाते हैं, समझे है? ये कलम गुलाम नहीं है, कोई नहीं खरीद पाया, मुझे सरकारों से कोई लेना देना नहीं, सच बोलता हूं, किसी की नहीं खाता, ना आपकी ना उनकी जो बैठे हुए हैं। 1000 फिल्में बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जितनी बनानी है बनाओ, ना कभी जिंदगी में कश्मीरी हिंदुओं के कलंक को कभी धो पाओगे और ना 84 के दंगे को, लिख लो, ना हरियाणा के कलंक को धो पाओगे, ना लखीमपुर खीरी के को, कोई भी कलंक नहीं धुलेगा। ये कलंक है, ये मानवता के नाम पे कलंक है कि आज के टाइम में 21वीं सदी में भी आदमी को गाड़ियों से कुचला। ये पता क्यों हुआ चौधरी साहब, त्यागी जी, कश्मीर में शांति की बहाली की कोशिशें हर किसी ने की, हर किसी ने कोशिशें की, लेकिन ईमानदार कोशिश की होती ना तो ये दिक्कत और जहन में ना होता कि हम उनके लिए करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, उनके लिए करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। मुसलमान भी हमारा है, हमारा ही भाई है, वो कभी नहीं चाहेगा कि देश के टुकड़े हों। जिन्होंने किया वो आतंकवादी थे, आतंकी सोच के थे, जिन्हें आपने गले मिलाया, जिन्हें आपने दिल्ली बुलाया, जिनके साथ फोटो खिंचवाई। फिर बोल रहा हूं, लिख लेना, मेरे को परवाह नहीं है। यासीन मलिक का सम्मान मैंने भी देखा, आपने भी देखा और देश ने भी देखा। दिल्ली में दामाद बना के रखा आपने, दामाद दामाद। इसलिए कह रहा हूं सर, समझो अभी भी वक्त है, कांग्रेस को बचाने के लिए कुछ बड़ा करो, निकलो उस औरे से बाहर भूदेव भाई। मुझ जैसे पत्रकार को गाली देने से कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।